किसको बनाएगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को किसको बनाइएगा? नीतीश कुमार एनडीए का बनाएगा। किसको बनाइएगा? एनडीए का सर। आप बताइए ना। शाहपुर कमाल विधानसभा सुरेंद्र विवेक के विधायक बनाना है। अबरीवाल कहीं जाते हैं गोड़ फूट जाता है, साइकिल गिर जाता है, रोड अभी तक नहीं बना हुआ, अभी तक कोई भी नेता आता है ठक ठुक कर चल जाता है। मेरे इलाका में तो काम दिखिए नहीं रहा है सर, मौजूदा विधायक कुछ काम नहीं कर रहे। जो मेरे सुरेंद्र विवेक अच्छा नेता है, अगले साल आए थे जब बाढ़ हुआ था तो मतलब पूरा वो दीरा गांव में पूरा जाके सबके घर घर जाके पहुंचाया दवा हुआ, जो मतलब ज़्यादा अथी वाला नहीं था दवा, लेकिन वो घा घोस जो पानी में बुखार जुखाम ये सब का दवा घर घर जाके पहुंचाया। वो तो उस समय पलटी दे दल के है। अच्छा, पलटी पलट रहा है। यूरेन पलटेगा किधर, नाम बताइएगा तब ये रिवर्स है, उनको नाम बताइएगा तभी सुलेंदर विवेक नहीं पलटी होगा। बहुत काम किया है। बताइए काम का नाम। मरने और जरने वाले लोगों का पैसा मिलता है 2000 रुपया, श्राद्ध करने के लिए पैसा मिलता है, जो विधवा औरत है उसके लिए शादी शुदा करने के लिए पैसा देता है, इसीलिए बहुत अच्छा आदमी है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली हिंद। आज हम बिहार के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग विधानसभा के अंदर जा कर के आपको हम ये दिखाते हैं इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम लोगों से राय लेते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बिहार के पब्लिक हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में इस बार चुनाव है और किसको बिहार में सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेमंत कुमार। जी हेमंत जी, इस बार बिहार में किसको बनाइएगा? सुंदर विवेक विधायक बनाना चाहते हैं शाहपुर कमाल से। किस पार्टी से हैं? लोजपा से। लोजपा से हैं। हाँ। अच्छा, कहा है कि इस गांव में विधायक जितना भी आता है, कोई भी नेता आता है, काम कर कर नहीं जाता है, कारण कि बहुत विधायक आता है ठक ठुक कर चल जाता है। ऐसा ही नेता है, युवा नेता है सुरेंद्र विवेक, कि बहुत मैं गरीब को जो न्याय होता है मरता है जरता है बहुत, या आग लगता है या कुछ होता है दौड़ के चलाता है, और कोई नेता जीत के जाता है उसको फ़ोन करते हैं कभी भी नहीं आता है देखने के लिए कि गांव में क्या हुआ नहीं हुआ। आज तक हम जाते हैं ये मार्केट जाते हैं या कहीं जाते हैं गोड़ फूट जाता है, साइकिल गिर जाता है, रोड अभी तक नहीं बना हुआ है इस गांव में। शाहपुर कमाल कुड़ा वाला रोड है, पत्थर वाला रोड है, अभी तक रोड नहीं बना है। नहीं गांव में देखते हैं कि इतना रोड खतरनाक है, अभी तक कोई भी नेता आता है ठक ठुक कर चल जाता है। कारण कि ये है युवा, ये है सुरेंद्र विवेक है ऐसा नेता है कि जब बुलाते हैं तब यहाँ समस्तीपुर या कोई भी युवा है कुछ भी होता है दौड़ कर चलाता है, इसी लेकर यहाँ पर सब देन है। कोई मरता है कोई रुपया कुछ देता है कुछ, बहुत सारा ब्याह शादी है, श्राद्ध है, या आग लग गया है, या कोई चीज़ होता है फंक्शन, या चापाकल है, कुछ भी है वो नेता आता है और सब कुछ देता है यहाँ। अच्छा, आपका जो ये इलाका किस विधानसभा के अंदर पड़ता है? शाहपुर कमाल विधानसभा पड़ता है, समस्तीपुर। अच्छा, पंचायत समस्तीपुर है। आपके आपके इलाके में बाढ़ की भी समस्या रहती होगी? हाँ, बाढ़ है, देखते हैं पानी है, पीछे गंगा जी है, पानी है पानी। अब सुरेंद्र विवेक आता है कुछ भी दे कर जाता है, कम्बल ठंडी के समय आता है कम्बल बांटता है, या दीरा डूबता है अनाज बांटता है, मैंने अपना घर बहुत कुछ करता है, जीता है नहीं तय पर, और जीत जाएगा तो बहुत विकास करेगा यहाँ पर। आपके जो यहाँ के मौजूदा वक्त के जो विधायक हैं वो आते हैं आपसे? कभी भी नहीं, अभी तक मतलब 5 साल हो गया है, अभी तक हम तो नज़र तो नहीं देखे हुए हैं। अच्छा, अभी वर्तमान काल में जो जीता है वो आगे तो ये बहुत बार इवेंट करता है कभी भी। किस पार्टी से? अभी है, अभी हमें टीम है लोजपा में। नहीं नहीं, जो आपके यहाँ के मौजूदा वक्त में जो विधायक हैं वो किस अति है? आरजेडी है, आरजेडी से। तो वो आपसे मिलने नहीं आते? नहीं, ये कभी भी नहीं आता। और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग भी हैं और महिला भी हैं बहुत सारे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मदन। कैमरा मैन थोड़ा आगे आ जाइए। मदन सिंह नाम। जी मदन जी बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ बताइए जी। हम तो देखे हैं कि दिरा क्षेत्र में सुरेंद्र विवेक गए थे जी, बलिया प्रखंड पड़ता है, बस ये जो नहीं बलिया क्षेत्र में गए थे, बलिया क्षेत्र में गए थे भगवानपुर गांव में, कटाई हो रहा था गंगा में, वहां पर जाके देखे बोरा उड़ा बहुत गिरवाया था सुरेंद्र विवेक, गिरवाया था। अच्छा, वहां पर हम गए थे, वहां पर गिरवाए थे। जिस विधायक को आप जिताए वो नहीं करते हैं? वो तो नहीं करता है। अच्छा, तो उनके पास आप कंप्लेंट नहीं? वो तो नजर, वो तो नजर में ही नहीं आता है, फोन करने के बाद जो कोई उसका आदमी है वो भी नहीं आता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देख लो ना, अभी भी यहाँ पर देख लो सारे बांध टूटा हुआ है, देखने के लिए आता है कोई भी नहीं आता है यहाँ पर, कोई आता ही नहीं यहाँ पर। अच्छा,
यहाँ पर जैसा ही वैसा ही पड़ा है। अच्छा, 10 साल के अंदर कोई काम ही नहीं। किसको लाएंगे इस बार बिहार में? यही सुंदर विवेक को लाएंगे। मतलब बिहार में किस पार्टी? यही नीतीश कुमार को लाएंगे। आपके जो मतलब यहाँ के जो विधायक बनाना चाहते हैं वो सुरेंद्र विवेक को बनाना चाहते हैं। अच्छा, चलिए हमारे साथ और भी युवा हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैमरामैन से थोड़ा कहेंगे कि इधर आ जाइए। आप ये बताइए कि बिहार में शिक्षा के ऊपर क्या काम हुआ है? शिक्षा के ऊपर बिहार में तो अभी सारा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा जी, और यहाँ पे जो बलात्कार की समस्या वो खत्म हुई है? नहीं, बहुत हद तक खत्म हुई है। मौजूदा जो सरकार है वो भी बहुत ही NDA का सरकार, जो कि बहुत ही सक्षम है सरकार चलाने में। अच्छा जी, तो इस बार आप बिहार में किसको लाएंगे? बिहार में NDO को लाएंगे। NDO को लाएंगे जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके इलाके में क्या काम हुआ है? मेरे इलाके में तो काम दिख ही नहीं रहा है सर। मौजूदा विधायक कुछ काम नहीं कर रहे। जो मेरे सुरेंद्र विवेक जी हैं, जो समाज सेवी है, जो बहुत चीज़ कर रहे हैं मेरे समाज में, कोई किसी का शादी हो उसमें हेल्प करना, उसके बाद कोई गरीब है निस्सहाय है उसका मदद करना, इलाज जिसके पास नहीं हो रहा है उसका इलाज करवा देना, चापाकल करवा देना, ये सब अपना फंड से वो कर रहे हैं, ना ही कोई सरकारी कोर्स से कर रहे हैं, अपने पैसा से कर रहे हैं, अपने जेब से कर रहे हैं। अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र विवेक या आपके इलाके के विधायक हैं क्या? नहीं, मेरे इलाके का विधायक नहीं है। सुरेंद्र विवेक जी समाज सेवी हैं, लोजपा के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव, और मुंगेर जिला प्रभारी हैं। अच्छा, लोजपा के। आप बताएं किसको बनाएंगे बिहार का अगला मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जी। आप बताएं किसको बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए, NDA के गठबंधन से जो होगा प्रत्याशी उसी को बनाया जाएगा, जो सरकार के नेतृत्व में सही ढंग से अच्छा कार्य कर सके वही प्रत्याशी हो सकते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं पीछे चाय की दुकान है, यहाँ पे लोग चाय का मज़े लेते हैं। और यहाँ पे हम पूछते हैं कि इनके क्षेत्र में जो अभी मौजूदा वक्त में जो बिहार के CM हैं उन्होंने क्या काम किया है, तो आइए हम अंदर चलते हैं और पूछते हैं लोगों से। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में काम हुआ है? आपके इलाके में, आपके गांव में कुछ काम हुआ है? आपके यहाँ कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, आप बताइए कि आपके यहाँ कुछ काम हुआ है? हाँ हुआ है। क्या काम हुआ है? रोड बना, नाला बना, और अभी पानी वाला टैंकी ये सब लग रहा है, बन रहा है। अच्छा हाँ, और सब जो भी चल रहा है सब अच्छे चल रहा है। इस बार बिहार में किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? बिहार में किसको बनाएंगे तो अभी हम लोग सोचे नहीं हैं, देखेंगे जैसा उसको अच्छा इरादा होगा। इरादा अभी चुनाव अथी कुछ हुआ नहीं है, कौन कौन का अथी कर रहा है। दो महीने बाद चुनाव है? दो महीने के बाद चुनाव है तो मालूम पड़ेगा तब ना कि कैसे क्या, कौन नेता क्या कर रहा है नहीं कर रहा, तभी उसी हिसाब से चुनेंगे। आपके क्षेत्र में जो आपके विधायक वो काम कर रहे हैं? जी, काम तो अभी बार अच्छा किया है। अच्छा, काम किया है। किस पार्टी से हैं? अभी हम पार्टी वोटी कोई पार्टी से नहीं है। नहीं, आप नहीं। जो आपके विधायक हैं वो किस पार्टी के हैं? वो विधायक सुरेंद्र विवेक जो है ना, विधायक ये श्रीनारायण यादव है। श्रीनारायण यादव। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए इस बार बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिहार मुख्यमंत्री सुरेंद्र विवेक बनाएंगे। नहीं, मतलब मुख्यमंत्री सुरेंद्र विवेक को बनाइएगा? नहीं, जो होगा हमको इतना पता नहीं है कौन। अच्छा, कौन कैसा चलेगा नहीं चलेगा हमको पता रहेगा तब। अच्छा, थोड़े रोजगार वगैरह मिला आपको? रोजगार कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता यहाँ कोई रोजगार? अच्छा, कोई नहीं देता है रोजगार। सरकार से खुश है ना खुश है? क्या खुश रहेंगे, हमको क्या देता है, कुछ हो न। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मछली मारते हैं। मछली बिकता नहीं है? मछली कहाँ बिकेगा? नहीं बिक रहा है, लॉकडाउन में कहाँ बिकेगा। अच्छा, बैठल है पानी अंदर, माछ उछ नहीं मारते। अच्छा, और क्या करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, पुराने लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बार किसको बनाइएगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार को बनाइएगा। अच्छा, क्यों बनाइएगा उनको? काम अच्छा करता है। क्या काम किया? बहुत काम किया है। बताइए काम का नाम बताइए, क्या काम किया? विकास बहुत किए हैं वो। अच्छा, आपके इलाके में रोड वगैरह स्कूल वगैरह बना है? हाँ, सब बना। अच्छा, सही काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। मतलब इस बार किसको लाना है? नीतीश कुमार का। एक भाई है यहाँ पे चाय की चुस्की ले रहे हैं। आप ये बताइए कि हंसिए मत, इस बार किसको बनाइएगा बिहार का मुख्यमंत्री? इस बार बनाइए। हाँ, किसको बनाइएगा? नीतीश कुमार बनेगा। नीतीश कुमार को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। अच्छा, आपका ये जो विधानसभा
कौन सा गांव पड़ता है ये? समस्तीपुर पर। विधानसभा कौन सा पड़ता है? साहेबपुर कुमार। यहाँ से किसको बनाइएगा? सुरेंद्र विवेक को। सुरेंद्र विवेक को बताइएगा? हाँ। वही विधायक हैं? हाँ वही विधायक। अभी अच्छा अभी नए हैं ना, मतलब वो काम आपके इलाके में कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, सुरेंद्र विवेक अच्छा नेता है। अगले साल आए थे जब बाढ़ हुआ था तो मतलब पूरा वो दीरा गांव में पूरा जाके सबके घर घर जाके पहुंचाया दवा हुआ, जो मतलब ज़्यादा अथी वाला नहीं था दवा, लेकिन वो घा घोस जो पानी में बुखार जुखाम ये सब का दवा घर घर जाके पहुंचाया, अपना समाज में भी आके देखा सबको दिया। ऐसे मतलब अच्छा नेता है हमारे लिए। अच्छा, इस बार किसको लाने का इरादा है? अभी तो हम तो ये इससे खड़ा होगा तो हम उसी को वोट देंगे। किसको? सुरेंद्र विवेक को। सुरेंद्र विवेक को। अच्छा, ये कुछ कहना दोबारा कहना चाह रहे आप? कुछ नहीं, दोबारा हम भी जिला शिलान्यास मंत्री है ना। हाँ, वो अभी इधर विकास कुछ नहीं किया है इस क्षेत्र में। अच्छा, कुछ नहीं किए हैं? अच्छा, वो अपना गाँव नहीं किए थे, समस्तीपुर में क्या करेगा वो? अच्छा, हाँ। किस पार्टी से हैं? हम तो अथी से। नहीं, आप पार्टी, आपके नहीं पूछ रहे, मतलब जिसके बारे में बोल रहे हैं, जो विधायक हैं आपके यहाँ में मौजूदा, हाँ, वो किस पार्टी से हैं? राजद का। राजद से हैं, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया? कुछ कंप्लेंट नहीं किया उन्होंने? कौन कंप्लेंट करेगा उसको? अच्छा, बरकाल में उसको कौन कंप्लेंट करेगा? जितना सीट पर गला के बाद तो कंप्लेंट आपको सुनेगा? हाँ, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, क्या गुस्सा है? गुस्सा क्या करेंगे आप बरकाल में, क्या गुस्सा कर क्या करेंगे? अच्छा, कैसे एक समय करता है और कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस बार आप किसको लाएंगे जो आपके लिए काम करे? वो तो चुनना उस समय पलटी दे दल के हैं आप। अच्छा, पलटी पलट रहा है? नहीं पलटेगा किधर, नाम बताइएगा तब। ये सुरेंद्र विवर्स हैं, उनको नाम बताइएगा तभी। सुरेंद्र विवेक नहीं पलटी होगा। अच्छा, वो अच्छा काम करते हैं? हाँ, काम अच्छा, भी बहुत अच्छा काम करते। चलिए, आप भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। इस बार किसको बनाइएगा बिहार का मुख्यमंत्री? अहम पकड़ रखे हैं, बताइए किसको बनाइएगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? NDA। अच्छा, क्यों बनाइएगा? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है? हाँ, बिल्कुल। काम अच्छा, कैसा करते हैं? बिल्कुल अच्छा। क्या काम किया आपके इलाके में? बहुत काम किया है। बताइए काम का नाम। मरने और जरने वाले लोगों का पैसा मिलता है 2000 रुपया, श्राद्ध करने के लिए पैसा मिलता है, जो विधवा औरत है उसके लिए शादी शुदा करने के लिए पैसा देता है, इसीलिए बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, उसी का सरकार बनाएंगे सुरेंद्र विवेक को। अच्छा, सुरेंद्र विवेक के आप इस बार जो है सरकार बनाइएगा? जरूर बनाएंगे। तो वो आपके इलाके में काम विधायक हैं आपके? हाँ, यहाँ के नहीं, विधायक बनाएंगे। अच्छा, बना भी है नहीं लेकिन बनाइएगा? बनाएंगे, वो आपके लिए काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद सहनी। सहनी, सुरेंद्र विवेक जिंदाबाद। किसको बनाएगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को किसको बनाइएगा? नीतीश कुमार। NDA का बनाइएगा? NDA का सर। आप बताइए शाहपुर कमाल विधानसभा के सुरेंद्र विवेक के विधायक बनाना है अबरी बार। सुरेंद्र विवेक जिंदाबाद। सुरेंद्र विवेक जिंदाबाद। यहाँ पे लोगों के अंदर एक अलग ही जोश है। अभी यहाँ से हम अपना वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।